नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद में इन दिनों गंगा अपना कहर बरपा रही है, जिसका नतीजा भी अब देखने को आ रहा है। एक ओर जहां गंगा के रौद्र रूप से आम जन परेशान है, वहीं गंगा अब घटिया निर्माण की पोल भी खोल रही है। जी हां, टाड़ीघाट 12 मार्ग जो सपा सरकार में बनना शुरू हुआ था, अभी इसका काम चल ही रहा है कि कल देर शाम रेवतीपुर गांव के पास की एक पुलिये का एक हिस्से की मिट्टी बाढ़ के पानी के दबाव के चलते कटना शुरू हो गया, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों के साथ ही जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिए। इस मामले पर जिला अधिकारी ने तत्काल इसकी मरम्मत के निर्देश देने के साथ ही भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया है। बताते चले कि जनपद को बिहार से जोड़ने का यह रोड एकमात्र रास्ता है जो पूर्व में गड्ढे में तब्दील हो चुका था और ग्रामीणों ने इसके लिए काफी जद्दोजहद किया था। ये जो है, हम लोगों ने बहुत पहले सड़क बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद किसी तरह से ये सड़क हमारी बनी, लेकिन जो भी इसके मानक हैं वह एकदम बेकार रहे। इसके लिए भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हम लोगों की बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज क्या हुआ है? और आज जो है प्रथम पुलिया जो हमारी है गांव के बाहर की, वह जो है आज उसकी कटान शुरू हो गई है और दीवारें गिर रही हैं, और यह सड़क भी जितनी जल्दी हो सकता है, कहीं अगर पानी बढ़ा तो ये कभी भी बैठ सकता है और ये रास्ता जाम हो जाएगा, जिससे ये कंस्ट्रक्शन गलत ढंग से कर लिया है। इसी से पूरे गांव का मेन रोड है, अब इसके बंद हो जाने से पूरा जिला से संपर्क पूरे 1 लाख की आबादी की कट जाएगी पूरा। यही नहीं, आसपास के गांव की भी आबादी, आसपास के जितने नगरीपुर, बिरमपुर, हसनपुरा, तिलवा, गोपालपुर, ये सब का कनेक्शन कट हो जाना है। इसको बंद आइए गिरने के कगार पर है। ठेकेदार पैसा खा गया, पानी नीचे से जा रहा है और कभी भी रोड जा सकती है और सबकी मिली भगत है इसमें। वहीं इस मामले पर जिला अधिकारी के बालाजी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारीगण से भी बात किया गया है और वहाँ हम लोग फिलहाल पूरा उससे ज़्यादा नुकसान ना हो और कनेक्टिविटी हमारे बना रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसको भी सही करा देंगे।